हॉस्टल का नाम सुनते ही बड़ी सारी चीजें याद आती हैं, जैसे कि मौज मस्ती, पढ़ना पढ़ाना और हंसना रोना। अगर किसी पर ध्यान नहीं जाता तो वो हूँ मैं। जी हाँ, मैं यानी कि कमरा। तो आइए क्यों ना मैं भी अपने नजरिए से कुछ चीजें आपसे बांट लूं जब मुझे नया नया अपना आया गया था। आज बड़ी बेचैनी भरा दिन है, सुना है आज बच्चे रहने आएंगे, सबके बीच में होड़ लग जाएगी कि कौन पहले चुना जाएगा। सात तो गए, बचे हम तीन। मुझे लग ही रहा था कि इन दोनों से पहले मैं ही चुना जाऊंगा। ये 410 तो शौचालय की बात से भरा हुआ है और 401 जैसा ब्रह्मचारी जीवन इन लड़कों से ना हो पाएगा। मैंने जहां तक सोचा था ये तो उससे भी अलग निकला। इन इंसानों के साथ मेल बिठाना तो बड़ा मुश्किल काम है। अरे भाई, ये क्या हाल बना रखा है? सब चीजों का एक ढंग होता है, कुछ सलीका होता है। मैं कुछ नहीं कर सकता इसका मतलब कुछ भी करोगे? इसे देखो, लगता है डॉक्टर नहीं कलाकार बनने आया है। हर हफ्ते कुछ ना कुछ नई कलाकारी। ये बेड हिला दिया, पोस्टर चिपका दिए। खैर, इसमें आप कर भी कह सकते हैं, कुछ साल ऐसे ही निकालने पड़ेंगे। इन्होंने तो पूरा माहौल बिगाड़ रखा है। फर्श पे नाश्ता बिखरा पड़ा है और रूम में दो रोनाल्डो बसता है। यहाँ सब जगह दाग, साफ सफाई किए तो अरसा हो गया। पूरे साल कुछ पढ़ना नहीं और एक रात में पूरी बुक चढ़ जानी। पूरी रात लाइटें चालू रखकर पढ़ाई के नाम पे बस टाइम पास करते हैं। इनकी परीक्षाएं खत्म हो और ये घर जाएं तो शांति मिले इनको भी और मुझे भी। यार, इन लोगों की छुट्टियां खत्म हो जाए तो अच्छा है। पता नहीं क्यों कुछ खालीपन सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्यों। आखिर यही तो मांगा था मैंने, तो इसका मतलब क्या मैं इन सबका आदि हो चुका हूँ? कभी सोचा ही नहीं था कि इतना लगाव हो जाएगा इन इंसानों से। माना मुझे बहुत यातनाएं दी, पर इन बच्चों के साथ रह रहकर ना जाने कब मैं इनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया। पहली बार ऐसा लग रहा है कि इन खोखली दीवारों में भाव भर आए हैं। नसीबदार हूँ मैं जो हॉस्टल रूम बना। बाकी कमरों में परिवार बसते हैं, जबकि यहाँ तो परिवार बनते हैं। बस दुख तो इस बात का है कि ये सब मैं बयां किससे करूं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे सुन सकते हो। नादान से परिंदे की तरह आए थे तुम अपने प्यार भरे घर से दूर, जबकि मैं तो खाली चार दीवारों वाला कमरा। हमेशा सोचता रहा कि क्या तुम मुझे कभी घर समझ पाओगे। तुम्हारे घर जाने पर मुझे हमेशा सुकून मिला करता था, पर ना जाने क्यों आज खुशी नहीं हो रही। शायद इस बार तुम फिर कभी लौट कर नहीं आओगे। जिन दागों के लिए तुम्हें कोसा करता था, वही दाग अब हसीन बनकर तुम्हारी याद दिलाएंगे। इस असामान्य से रिश्ते की कश्मकश में सिर्फ इतना ही कह पाऊंगा कि ना रो सका कभी तुम्हारे साथ, ना हंस पाया, फिर भी ना जाने क्यों हमने एक दूसरे को अपनाया। पूरा हुआ आज वो सफर जिसने ये रिश्ता बनाया। कुरी चार दीवार था ना, घर तो मुझे तुमने बनाया।